हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के टॉप 50 एमसीक्यूज का पार्ट 1, और पार्ट 1 में कवर किए जाएंगे 25 एमसीक्यूज, जिनमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो किसी भी हालत में इन वीडियोस को मिस ना करें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का अलंबित कविता में बहुत बहुत स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई आर कॉल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू शुड ऑल्सो नो द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरिया से होने वाली एक प्लांट डिजीज का आपने ये नाम बताना है। सिट्रस कैंक, व्हाइट रस्ट, व्हाइट डस्ट या नन ऑफ ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आएगा सिट्रस कैंक। सिट्रस कैंक डिजीज सिट्रस ट्रीज में होती है। सिट्रस ट्रीज होते हैं इस तरह के ट्रीज जिनके फ्रूट्स खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन। इनमें सिट्रस कैंक नाम की एक डिजीज होती है और ये बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इनमें से किसमें फर्मेंटेशन नहीं होगा, चीज में, मिल्क में, योगर्ट में या वाइन में। क्या आंसर रहेगा इसका, मिल्क में। ठीक है, मिल्क में फर्मेंटेशन नहीं होता है। मिल्क से अगर कर्ड की फॉर्मेशन होगी तो उसमें फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्मेंटेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। तो फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से होता है, ईस्ट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। ब्रेड की प्रिपरेशन के टाइम इनमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आंसर रहेगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी बर्निंग होती है या कोई भी चीज गर्म होती है तो उस टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल, वायरस, फंगस, एल्गी या ऑल। इसका आंसर रहेगा एल्गी। एल्गी में क्लोरोफिल होता है। इसी से रिलेटेड 2016-17 में सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। व्हाई आर एल्गी नोन एज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं एल्गी को, प्लांट में सेल वॉल होती है और प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एल्गी में भी सेल वॉल भी होती है और साथ में क्लोरोफिल भी होता है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी भी आपने याद रखने, स्पायरोगायरा और फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय डैश वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, तो आपने याद रखना कि चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है एक तो। ठीक है, और किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर, प्लास्मोडियम, ई कोलाई या नन ऑफ ऑल। ये वेरिसेला जोस्टर से होता है, तो इसके लिए आप याद रखोगे वीजेड। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर जिससे चिकन पॉक्स होता है। वायरसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। रिप्रोडक्शन के लिए वायरसेस एक लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है, और लिविंग सेल को हम होस्ट सेल बोलते हैं। मतलब होस्ट सेल के अंदर इसमें रिप्रोडक्शन होगी, और जब रिप्रोडक्शन होगी तो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस की फॉर्मेशन होगी, और जब थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस की फॉर्मेशन होगी तो होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टॉक्सिन रिलीज बाय टीवी बैक्टीरिया। टीवी बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसका आपने नाम बताना है। ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन या नन ऑफ ऑल। क्या आंसर आएगा, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लर्न करोगे, टीवी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस की जगह यहाँ पर आएगा ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन जो रिलीज होता है, और टीवी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, एचसीएल या ऑक्सीजन। अल्कोहल की प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि जब अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है तो उस टाइम उसमें फर्मेंटेशन होती है, तो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज। डेंगू इनमें से किससे होता है, कॉकरोच से, फीमेल एनोफिलीज से, मॉस्किटो या हाउस फ्लाई से। क्या आंसर रहेगा इसका, फीमेल एनोफिलीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज टाइफाइड। साल्मोनेला टाइप 5, बैक्टीरियल टाइप 5, सीट्रल टाइप 5 या नन ऑफ ऑल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, और किसी होता है ये साल्मोनेला टाइप 5 से। इसको आप किस तरह से याद रखोगे, टी याद रखोगे टाइप 5 के लिए, और साल्मोनेला एस। ठीक है, एस टी।
कि वीजेड से चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला जोस्टर से। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है बट टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, एंड ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, गलत है, ये टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय वायरसेस, ये भी गलत है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस को आप किस तरह से याद रखोगे, टी वर्ड आपने याद रखना है, टीवी और टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेस है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर एडेड टू जैम्स टू प्रिजर्व देम, ये बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ये प्रिजर्वेटिव एजेंट्स है जो डाले जाते हैं जैम्स में उनको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूट एंड माउथ डिजीज किस में होती है, कैटल्स में होती है, बट ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये होती है वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मेडिसिंस ऑब्टेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अप्लाइड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिंस आर कॉल्ड, कुछ मेडिसिंस माइक्रो ऑर्गेनिजम से डिराइव की जाती है उन्हीं की ग्रोथ को रोकने के लिए, इन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक या ऑल द अबव। क्या आंसर रहेगा इसका, एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया से डिराइव की जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव टू एग्जांपल्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, दो आपने एग्जांपल्स बताने हैं, और एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स इस तरह की मेडिसिन होती है ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई, जो बैक्टीरिया फंजाई से ऑब्टेन की जाती है, एंड आर यूज टू किल अदर डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, उन डिजीजेस को रोकने के लिए यूज की जाती है जो माइक्रोब से होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया या फंजाई से डिराइव की जाती है इन्हीं की ग्रोथ को रोकने के लिए। और इनके एग्जांपल्स में आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन। क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते समय, एक तो अगर फिजिशियन इसको प्रिस्क्राइब करे तभी एंटीबायोटिक्स हमें लेनी चाहिए, दूसरा अगर हम इसको यूज करें तो हमें इसकी प्रॉपर डोजेस लेनी चाहिए जितनी भी डॉक्टर्स ने लिखी है, और इसका कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन, इनमें से आपने ऑड वन को चूज करना है, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड या मलेरिया, इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, मलेरिया। ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड ये तीनों कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, किसके थ्रू, एयर से, वाटर से या फिजिकल कॉन्टेक्ट से। मलेरिया कभी भी स्प्रेड नहीं होता है, ये क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड इज, देखो फर्मेंटेशन से रिलेटेड कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, फर्मेंटेशन, पास्टराइजेशन, एल्कोहलिज्म या ऑल द अबव, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वायरस, इकोलाई या नन ऑफ ऑल, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, मतलब मॉस्किटो एक प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोन को बिलोंग करता है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, मलेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब मलेरिया से रिलेटेड भी ऑलरेडी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस वर इंक्रीजिंग इन पुजास विलेज, शी सजेस्टेड हर नेबर्स टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, पूजा के गांव में जो मलेरिया केसेस है वो बढ़ रहे थे, ठीक है, उसने अपने आसपास जो पड़ोसियों को क्या सलाह दी कि अपने आसपास साफ सुथरा रखा जाए। नेम द कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया का कैरियर आपने बताना है, ठीक, व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम दिस इनिशिएटिव टेकन बाय पूजा, पूजा ने ये जो कदम उठाए इससे हमें क्या वैल्यूज मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो एक तो मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, इसका आंसर क्या आएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या वैल्यूज हमें मिलती है कि पूजा इज कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ हर विलेज, कि एक तो पूजा जो है अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी वो अवेयर है, बोलते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर, क्या आंसर रहेगा इसका, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट है ये भी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, न्यूटन या नन ऑफ ऑल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की है पेनिसिलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 वाज डिस्कवर्ड बाय, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी, 1798 में, किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने, फ्लेमिंग ने, मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने, इसका
इसका आंसर आएगा एडवर्ड जेनर। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। जो फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इज फूड प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट, शुगर, विनेगर या मीथेन। होपफुली वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे।